ध्यान देना कि जो कुछ आपकी आंखें देख रही हैं, प्रभु आपसे बात कर रहा है। ये वचन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यह मनुष्य को नहीं, यहोवा को यह भाया है। किसको? यहोवा को। पढ़ो, यहोवा को यह भाया कि उसे कुछ ले। परमेश्वर यहोवा को यह भाया अच्छा लगा कि वह उसको कुचल डाले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। उसी ने इसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, जब वह क्रूस पे अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। तब वह इस वंश को देखने पाएगा। करेंगे दोनों हाथ, पूजा करो, क्योंकि प्रभु ने आपको चंगा किया। मैं देख रहा हूं आपको चंगा। परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में पूरी होगी, और कोई पूरा नहीं करेगा। करने वाला यीशु मसीह है। और इच्छा किसकी है? पिता की इच्छा है कि पुत्र के द्वारा पिता की इच्छा पूरी हो जाए। वो नहीं चाहता है कि आप जीवन को खो दो। उसी के द्वारा भाई बहनों की जय मसीह की। हम कौन से अपने बेटे की गवाही बताने जा रहा हूँ। ये नया इसका जीवन पाया हूँ। हमारा घर नई भैया किराकत, जो नई भैया किराकत चौकिया में है। हमारा नाम दिनकर है, हमारे बेटे के नाम आशुतोष है। तो इसके 4 साल पहले जो कि इसको थोड़ा थोड़ा पेशाब होने लगा, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, पेशाब हो रहा तो करते करते 1 महीना बिता लेंगे। थोड़ा ज़्यादा पेशाब होने लगा, तो पेशाब होते होते दवा करने लगे। 2-3 डॉक्टर के छोटे मोटे डॉक्टर दिखाए, दिखाते दिखाते तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। जब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया तो इसको ले गए जौनपुर दिखाने के लिए। 2016 में हमारे बेटे को पेशाब बहुत ज़्यादा चालू हो गया। जब चालू हो गया तो बहुत हम परेशान होने लगे, थोड़ा थोड़ा उसमें खून भी गिरने लगे। जब खून देखे हम तो और परेशान होने लगे, हमेशा 1 बूंद 2 बूंद 4 बूंद हमेशा गिरता। मतलब दिन भर में 5-6 चड्डियाँ बदलना पड़ता था हमें। हम परेशान हो गए तो डॉक्टर दिखाते थे, तो हमने डॉक्टर उसने बोला कि चलो इसको कोई दिक्कत होगा, दवाई देते थे जौनपुर दिखाए, तो एक्सरा निकलवाए। उसमें बोले कि इसका जो पेशाब के धुआं से हल्का से नस दब गया है, इसका नस जो कि दब गया है। हमने कहा चलो अच्छा ठीक है, दवाई करते रहे, नहीं आ रहा। तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया,
तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, तो जौनपुर में एक डॉक्टर हैं उनका हम रिपोर्ट भी ले आए हैं, उनका रिपोर्ट एक्सरे वक्सरा खिंचवाए थे, ये हमारा है, ये जौनपुर का है, ये हमारा जौनपुर का सब रिपोर्ट है, एक्सरे निकलवाए थे, ये सब है, ये सब निकाले, सब निकाले तो बोले इसको कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है, ये हल दिखाने बोले, देखो इसमें देखिए ये सब रिपोर्टें हैं हमारी तरफ, अच्छा हमारी तरफ, अच्छा ये सब रिपोर्टें हैं, तो हमने कहा कि बोले कि इसका थोड़ा से नस दब गया है, बड़ा वाले की कुछ बड़ा हल्का हल्का से नस दब गया है, तो नस दब गया तो हमने कहा कि ठीक है दवाई किए, तो इसको पेशाब में परेशान हो गए, मजबूर हो गए, हम कहा अब क्या करेंगे, तो डॉक्टर बोला कि देखो इसको किडनी दोनों ख़राब हो चुकी है, जब मेरे बेटे के खून की पेशाब होने के बहुत परेशान हो गए, एकदम इसकी हड्डी हड्डी रह गई थी, गल गया था उसका शरीर, तो हमको बनारस इसको ले गए, बनारस वाले अस्पताल में ले गए हम इस यहाँ इस जगह पर। ये, तो, ये जो आप रिपोर्ट को दिखा रहे हैं ये हिमांशु हॉस्पिटल एंड क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड पुलिस लाइन रोड पांडेपुर वाराणसी में, आप एक डॉक्टर हाँ बहु मशहूर डॉक्टर रहे हैं, तो वो सब ये सब एक्सरे निकलवाए, ये सब रिपोर्टें हैं, ये सब एक्सरे निकलवाएं, ये सब हैं, ये सब है, ये सब ये बनारस वाले के हैं, तो बनारस ये सब दिखाए थे, क्या बोले वो डॉक्टर के देखो इसका दोनों किडनी जो है ख़राब हो चुकी है, इसको पेशाब में नली लगाना पड़ेगा, तो हमने कहा भाई लगा दीजिए, बोला एक हफ्ता इसको नली लगे रहेगा, हम कहा ठीक है, एक हफ्ता नली लगा दिए, नली लगाने के बाद एक हफ्ता तो पन्नी में पेशाब करता था, तो बिस्तर भेजता नहीं था, तो हमने खाता पीता था उसको, कुल्ला पेशाब कराते थे उठा बैठा के, तो एक हफ्ता बीतने के बाद फिर डॉक्टर के यहाँ दोबारा गए, तो दोबारा जब गए तो बोले कि हमें कहा डॉक्टर साहब नली निकालना, बोले थे आप एक हफ्ता निकाल देंगे, कहाँ के ठीक है निकाल देंगे, तो लेकिन उस दिन डॉक्टर कहा नहीं अभी एक हफ्ता और रहने दीजिए इसे, तो हमने कहा चलो ठीक है एक हफ्ता और रखे, तो 14 दिन हो गया, तो 14 दिन हो गया, तो जब घर पर लेके आए थे जिस दिन दोबारा लगवा के, उस दिन रात को नली इतना ज़्यादा दर्द इसको होने लगा, इतने ज़्यादा परेशान हो गए, तो सुबह होते होते नली बाहर निकल गई इसकी, फिर अपने आप निकल गई, जब अपने पेड़ आप निकल गई तो फिर डॉक्टर सुबह भागते लेके गया, डॉक्टर उसी डॉक्टर साहब फिर से लेके गए, तो डॉक्टर ने कहा वो कागज़ पर लिख के दे दिया, बीएचयू भेज दिया हमको, कहा इसको बीएचयू लेके जाओ, बीएचयू गए तो बीएचयू वाला डॉक्टर बोले थे कि देखो इसको हालात बहुत बिगड़ चुकी है, इसको ऑपरेशन कराना होगा, तो ऑपरेशन हम ना सुने हमारा दिल धड़कने लगा, हम कहा अब क्या करेंगे, हम वहाँ से लेके चले गए, इसको इतना ज़्यादा बुखार था, इतना ज़्यादा बुखार था तो कांपता था, तो हम वहाँ से बीएचयू से दवा लेके चले आए घर पर, शाम को आए घर पर तो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था अब बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा पता पापा बहुत दर्द कर रहा, पेट दर्द कर रहा, ये हो रहा वो रहा, बहुत अब बुखार कांप रहा था, गनगनात रहा था, ऐसे ऐसे से गनगनाता था, हाथ पांव तो ठंडा हो गया था, हाथ पांव ठंडा हो गया था, जलन से जल रही थी, जल रही, तो फिर हमने कहा कि अब क्या कहते, हमारे एक बगल में भाई थे तो बोले कि भैया जब इतना इसको बुखार है तो आप चलिए सुबह एक जौनपुर में हॉस्पिटल में उसके पास ले चलूँ, तो ये जौनपुर का है, ये जौनपुर का हॉस्पिटल, वहाँ ले गए तो वो डॉक्टर पहले ले नहीं रहा था, पहले डॉक्टर ले नहीं रहे थे, तो इसको बाद उसको थोड़ा रिक्वेस्ट किए, ये सब रिपोर्टें जौनपुर का है, ये सब जौनपुर का है, तो ये सब लेने बाद तो बोले देखो इसको जो खून शरीर में नहीं है, वहाँ जब हम भर्ती बोले इसको भर्ती करना होगा, हम कहा ठीक साहब भर्ती कर दीजिए, तो भर्ती किया, वहाँ हमने 8 दिन थे उस हॉस्पिटल में,
उस हॉस्पिटल 8 दिन थे, तो 8 दिन में इतना ढोका ढोका खून इसका पेशाब मुंह पर जो रुक जाता था ना, पेशाब नहीं कर पाता था, इतना परेशान दिन हो गया। भाई बहनों खून की पेशाब होने लगी, खून की पेशाब होने लगी, दिन भर खून की पेशाब हुई। जब डॉक्टर से बोले वहाँ के इंजेक्शन लिखे, इंजेक्शन जब लग गया भाई बहनों, तब वो खून जो ढोका ढोका बन गया। फिर जब मुंह पर खून आ जाता था तो लड़का पेशाब नहीं कर पाता था, वो चिल्लाता था, रोता था। हम सब वहाँ रह के तड़प रहे थे। फिर ऐसा हुआ, फिर वो डॉक्टर ने नली लगा दिया, फिर नली लगा दिया, फिर जब नली लगा दिया, नली से पेशाब, जब नली लगती थी भाई बहनों, तो मेरा यही दिल कहता था, मेरा लड़का इतना चिल्लाता था, मैं कहती थी मैं जाए रोड पर अपने गाड़ी के नीचे कट के मर जाऊँ, मगर इस लड़कियों को ऐसे मैं नहीं देख सकती, नहीं देख पाती थी, मैं रो रो कर रहती थी। तब फिर भी वहाँ से फिर सुबह सुबह जब डॉक्टर आए थे, मैंने बोला जब डॉक्टर साहब तू नली लगा करके पेशाब उतार दे तो खून अंदर रह जाता है तो क्या होगा, तो कहा मैं इसे दवा नहीं कर पाऊँगा, तू इसे, मैं इसे जवाब देता हूँ, तू लेकर जाओ। फिर एक बाद फिर हम छोड़ दिया, फिर बाइबल उठाया, बाइबल लेकर रोने लगी, कही हे प्रभु तेरे सिवा हमारे दुनिया में कोई नहीं है, पिता मैं साझे मेरे साथ क्या हो रहा है हे प्रभु। फिर मैं प्रभु से कहकर इतना दुख बढ़ता गया, इतना दुख बढ़ता गया, इसका दुख मुझसे देख नहीं जा रहा था। हे भाई बहनों, जब ये मेरा पोता को नली लगती थी वो इतना चिल्लाता था कि मेरा दिल कहता मैं रेल के नीचे जाके कट के मर जाऊँ, मगर देखूँ नहीं, इसके पहले, इसके मरने से पहले मैं भी मर जाऊँ। मेरा सातों प्राणी, हम सब सात प्राणी हैं, मेरा सातों प्राणी निराश और उदास हो गए, कहे कि ये मर जाएगा तो हम सब मर जाएंगे, कोई नहीं जिंदा रहेगा, सबके सब मर जाए। फिर हमने कहा हे प्रभु हम सबके साथ अगर स्कूल ले जाना मेरे पिता तो हम सबके साथ के साथ को लेके चले जाना पिता, यहाँ हम सब कोई नहीं रहेंगे दुनिया में। फिर वहाँ से आई है परमिला दीदी, मुझे फ़ोन करी, कहें कि तू क्या कर रही, तू दुनिया में किस दुनिया में तू चली गई। मैंने कहा दीदी क्या करूँ, जब इतना दुख हालात बढ़ता गया तो मैं डॉक्टर के पास आई, बनारस से अब जौनपुर में आ गई हूँ। उसने कहा अपने बेटे पोते को लेकर इधर आओ। हम कहा कैसे आऊँगी, डॉक्टर जब नहीं छोड़ेगा तो मैं क्या करूँगी। फिर मैंने फिर सुबह आया मैं डॉक्टर, तो मैंने सुबह से बोला डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब यदि तू नली लगा करके पेशाब उतार रहे हो और मेरे पोते का खून तो जो ढोका ढोका बना है अंदर ही है, तब फिर क्या होगा, जब भी नली निकालेगा तभी वो ढोका आ जाएगा। तो कहा मैं नहीं दवा कर पाऊँगी तुम्हारे पोते को, तुम्हें मुझे आज नहीं कर। तब डॉक्टर ने हम इतना परेशान हो गए तो डॉक्टर जवाब दे दिया हमको, बोला कि तुम चले जाओ, अब हम तुमको जवाब दे रहे हैं, कहीं आओ दिखाइए जाए। उस समय 18,000 रुपये उस डॉक्टर को दिए थे, 5,000 रुपये नहीं दिए थे, 5,000 मतलब 18,000 नगद दिए थे, 8 दिन दिए थे 18,000 रुपये कौन से, फिर 5,000 रुपये नहीं दिए उसको, हाथ जोड़ लिया कि हमारे पास है नहीं। फिर वहाँ से हम चले आए, तो वहाँ से लेके चले आए, तो हमने कहा चलो बनारस चलेंगे अब हम इसको लेके। तो फिर उस दिन संडे का दिन था, तो यहाँ पर भुलंडी कलिसिया में आए, तो कलिसिया में आए तो जब जौनपुर का डॉक्टर जवाब दे दिया, हाँ, तो आप बिल्कुल निराश हो चुके, निराश हो चुके एकदम, बिल्कुल निराश टूट गए। तो हम ये भी कहते थे कि अगर इतना परेशान हो रहे, अगर कुछ हो भी जाता तभी सरदर्दी हमारी ख़त्म हो जाती। तो जब डॉक्टर जवाब दे दिया निराश हो गए, तो हम कह लिए अब क्या करेंगे इसको, लेकिन अब निराश हो गए, टूट गए थे मन, दब हिला, हमको समझ नहीं आता अब मैं करूँ तो क्या करूँ। इस बच्चे को दवा करने में हमें 80-85 हज़ार रुपये लगा था। तो एक भाई थे यहाँ पर दूधनाथ भाई हमारे हैं, तो फ़ोन किए कि तुम ऐसा करो चले आओ बुलंदी कलिसिया पे, आज संडे का दिन है और भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ प्रार्थना चल रहा था उस समय, तो हमको क्या पता। तो हम वहाँ से गाड़ी लेके चले आए,
तो जब इस बुलंदी कलिसिया में आए तो यहाँ पर प्रार्थना चल रहे थे, बुजुर्ग प्रार्थना कर रहे थे, प्रकाश तो प्रार्थना कर रहे थे, जब हमने हल्ला तो प्रार्थना चल रहा था यहाँ पर, तो उस समय प्रार्थना लेके इसको बैठे, अब प्रार्थना होते ही तभी प्रभु यीशु की सामर्थ इसके ऊपर आया, ये चंगा हो गया। लेकिन हम उसमें नहीं जान पाए, बैठे थे, लेके 15 मिनट के बाद बोला, प्रार्थना ख़त्म हुआ, 15 मिनट के बाद बोला पापा हम पेशाब करेंगे। हमने कहा चलो, तो उसको कोरम उठा के ले गए, तो जब वहाँ खड़ा किए तो बोला कि पापा छोड़ दो, पकड़ो मत, हम पेशाब कर लेंगे। तो हम जैसे कराते थे, हम जानते हो कैसे कराते थे, लेकिन जब उसने कहा छोड़ दो तो हमने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तब न खून बहा एक बूंद, न पेशाब रुका, एकदम प्रेशर से पेशाब किया। तो हमने कहा प्रभु ये क्या किया तुमने। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कोटि कोटि। मैं कहा प्रभु तेरे भवन में आते ही मेरे बेटे को ऐसा हो गया, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु का। जैसे हमारे प्रभु यीशु ने हमारे बेटों को चंगा किया, वैसे हर भाई बहनों को चंगा करेगा, आप लोग को भी चंगा करेगा। जब हमारे बेटा पेशाब खून का पेशाब कर रहा था, तो वो सब हमारे प्रार्थना के दौरान हमारे प्रभु यीशु ने हमारे बेटों को, जो पेशाब का दर्द हो रहा था, पेशाब का खून बह रहा था, उसके शरीर में खून नहीं था, कौन से हर चीज़ प्रभु यीशु ने हमारे बेटे के शरीर से निकाल दिया, उसे चंगा कर दिया। हमारे के बेटे को सही हुए साल भर हो गया है इस बेटे को। अब इसलिए प्रभु हमको हमारे बेटों को चंगा कर दिया, इसलिए मैं प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जैसे प्रभु यीशु ने हमारे बेटों को चंगा किया, वैसे हर भाई बहनों को चंगा करेगा, इसलिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आप लोग भाई बहनों इस जीवन ज्योति केंद्र में आइए, आप लोग भी आशीष पाइए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता, आप लोग भी चंगा होंगे प्रभु यीशु। आपको जय मसीह की, आमीन। खुश है, प्रभु जीवन दे दिए हम सब। बोला आप कौन सही किया बता दीजिए। किसी ने अच्छा किया? जोर से कहा, हाथ उठा के कहा, बोला कदा प्रभु यीशु मसीह। जोर से कहा, मेरा नाम आशुतोष है, सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का भजन सुनाने जा रहा हूँ, मैं प्रभु का भजन सुनाने जा रहा हूँ। जोर से गाया भजन में गवा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते छुटकारा। आप भी प्रभु यीशु से आशीष पाना चाहते हैं तो आइए हमारे जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र में। पता है ग्राम भुलंडी पोस्ट पोखरा, क्षेत्र डोभी, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। आप अपने धन्यवादी दान को हमारे जीवन ज्योति सत्संग ट्रस्ट के खाते में दान कर सकते हैं, जिसके अकाउंट होल्डर का नाम जीवन ज्योति सत्संग ट्रस्ट है, जिसके अकाउंट नंबर 3293718169 है, जिसका IFSC कोड SBIN0010890 है। यदि आप आउट ऑफ इंडिया से हैं तो दिए गए स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।